इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। किसी मौजू को कैसे बड़ा या छोटा बनाया जाता है भारतीय मीडिया को अच्छी तरह से मालूम है। पूरे भारत में जब एक तरह का हाहाकार, भुखमरी, गरीबी, महंगाई जैसे बड़े मसले घर में दाखिल हुए हैं, पर भारत की मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, इन्हें सिर्फ रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत और अब दीपिका पादुकोण में दिलचस्पी इंतहाई दिखाई दे रही है। और वैसे भी भारत में अब एक तरह से हिटलर शाही दिखाई दे रही है। अब कोई भाजपा या मोदी हुकूमत के खिलाफ कोई बोलता है या अपनी हुकूमत के खिलाफ में जाहिर अपनी राय को जाहिर करता है तो इसे देशद्रोही कहना बिल्कुल तय हो गया। आज कंगना रनौत झांसी की रानी बनने की कोशिश कर रही है तो इस कठपुतली के पीछे हाथ किसी और के हैं। अगर दीपिका पादुकोण का नाम लेना भी कोई महज इत्तेफाक नहीं है, वाजह रहे कि पुरानी दुश्मनी भी इसमें निकाली जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जेएनयू में मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में दीपिका पादुकोण ने हिस्सा लिया था और जिसने भी किसी ने हुकूमत की मुखालफत की है उन्हें जेल भेजा जा रहा है और गोदी मीडिया भी यही काम अंजाम दे रही है। पूरे मुल्क में किसान सड़कों पर है, आज देश भर में एहतजाज किए जा रहे हैं। कहते हैं भारत किसानों का देश है, पर आज जिस तरह किसानों के साथ बर्ताव किया जा रहा है शायद देश अब किसी हुक्मशाही की नजर हो चुका है। क्या वाकई करोड़ों अरबों की मिल्कियत के फिल्मी सितारे आम इंसान की जिंदगी का हिस्सा है? और नशे के आदि कौन सा फिल्मी सितारा नहीं रहा? और अगर ड्रग माफिया से इनके ताल्लुकात हैं तो इनमें कौन सी नई बात है? हमें उन लोगों से क्या लेना देना जिनकी जिंदगियां अय्याशी में पलती रहती है? हमारा सवाल हुकूमत से है, आप जिस तरह एक साजिश के तहत सुशांत सिंह से लेकर रिया चक्रवर्ती, कंगना, दीपिका कह रहे हो, इसका गरीब से कोई लेना देना नहीं है। गरीब दो वक्त की रोटी चाहता है साहब, इन्हें पेट भर खाना दो, रहने के लिए मकान दो। आज किसान की जिंदगी दरख्तों पर झूल रही है। भूख की वजह से माँ अपने बच्चों के साथ किसी रेल की पटरी पर अपनी जान दे रही है। कई खानदान बेरोजगारी की वजह से जहर खाकर अपना खात्मा कर रहे हैं। बेबस भूखे पेट घरों में बैठे लोगों को आप सुबह शाम सुशांत, ड्रग माफिया, कंगना दिखाकर क्या करना चाहते हो? किसी भी चैनल में आपको चीखते चिल्लाते एंकर दिखेंगे। टीवी का कोई भी प्रोग्राम आम इंसान की जिंदगी से मेल खाने वाला नहीं है। पहले हिंदू मुस्लिम नफरत परोसा जाता था, अब फिल्मी सितारों का ड्रग माफिया से कनेक्शन पर महीनों प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अब तो और भी फेरिस्त तवील करते हुए श्रद्धा कपूर, सारा अली खान के नाम भी जोड़े जा रहे हैं। और खास बात यह नजर आ रही है कि क्या सिर्फ फिल्मी हीरोइन गांजा ड्रग ही लेती है? आखिर इसके पीछे क्या मकसद है? कैसे सियासी खेल भी इसके आड़ में खेला जा रहा है? तब जाहिर होता है जब उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ऐलान करते हैं कि नोएडा इलाके में फिल्म नगरी का कायम अमल में लाया जाएगा। एक तरफ फिल्मी दुनिया को बदनाम कर जहन को मुंतशिर करने का काम, तो दूसरी तरफ फिल्म नगरी के कायम का अमल, मतलब यकीनन यह मैच फिक्सिंग है। भारत की गोदी मीडिया मोदी हुकूमत की तारीफ करते थकती नहीं है, वही दूसरी तरफ विदेशी मीडिया ने मोदी को नाकाम वजीर आजम साबित किया है। खैर, भक्तों को यह बात हजम नहीं होगी। आप अगर सच्चाई को जाहिर करो तो आपको फौरन देशद्रोही करार दिया जाएगा, आप पर मुकदमे दायर किए जाएंगे, आप पर असमत रेजी के तक मुकदमे दायर किए जाएंगे। अनुराग कश्यप, फिल्म निर्माता जिन्होंने हमेशा सच बोलने की जरूरत की, अब इन पर किसी पायल घोष को खड़ा किया जाता है और असमत रिजी का मुकदमा दर्ज किया जाता है। और यह तमाम वारदातें ऐसे ही नहीं होती, अगर आप सत्ता से सवाल करेंगे आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आप पर ईडी सीबीआई की रेड हो सकती है, और अगर आप सत्ता के साथ हैं, हजारों के कातिल ही क्यों ना हो, कई घरों को क्यों ना उजाड़ा हो, कितने ही फसादों में इनकी शिरकत हो, इन्हें मरकजी वजारत के साथ एक्स वाई झेड प्लस सुरक्षा दी जाएगी, आपका महिमा मंडन किया जाएगा, आपके मर्तबे बुलंद किए जाएंगे। मुल्क हिटलर शाही की तरफ बढ़ चुका है। यही तो हुआ था जर्मनी में, हिटलर ने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खत्म करने की कोशिश की और खत्म की। आप अगर सत्ता से सवाल पूछेंगे तो आपको भी बिना पूछे बिना तहकीक के उठा लिए जाएंगे, कत्ल किए जाएंगे, जैसा कि गेस्टापो ने जर्मनी में किया था। गेस्टापो वो पुलिस दल है जिसका काम था कि हुकूमत के खिलाफ जो भी बोलेगा उसे ढूंढना, उसे खत्म करना। और अब यही काम मोदी योगी के दौर में होने वाला। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने
गेस्टापो के तर्ज पर पुलिस फोर्स तैयार की हुई है, जिसे इतनी आजादी दी गई है कि वह बिना किसी वारंट किसी कानूनी दस्तावेज के उठाएंगे। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का कायम भी इसी तर्ज पर किया जा रहा है। वाजर है अगर यह फोर्स कामयाब होती है तो इसे पूरे मुल्क में इस तरह की फोर्स बनाई जाएगी, हर रियासत में यह फोर्स होगी। गेस्टापो जो जर्मनी में बनी थी, इसका डर इस कदर छाया हुआ था कि लोगों ने सत्ता से सवाल करना ही छोड़ दिया था। अगर इन तमाम मामलों पर गौर फिक्र करते हैं तो सवाल यही उठता है कि क्या भारत में लोकतंत्र जल्द खत्म होने वाला? जरूरत है इस वक्त पहले सभी को जागने की और इस देश को बचाने की, इस संविधान की हिफाजत करने की, वरना तानाशाही देश के लोकतंत्र का कत्ल कर देगी। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह। We'll be right back.